हाय दोस्तों, हर्रा गंगे, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में। अभी आप नई घाट का दृश्य देख रहे हैं। नई घाट में आप देख सकते हैं यहाँ पे अस्थि प्रवाह और मुंडन की कार्यक्रम किया जाता है। और एक घाट है काफ़ी ज़्यादा विशेष और काफ़ी ज़्यादा प्राचीन, कुसा घाट। ऐसे हमारे चैनल में वीडियो आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं, जहाँ भगवान राम आए थे ऐसा कहा जाता है। हमारी आज की यात्रा गौघाट से स्टार्ट होने वाली है और हम आज बस स्टैंड से हर की पैड़ी तक का सफ़र करने वाले हैं। सुबह सुबह का मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कोहरा होती है और हमारी यात्रा जैसे कि आपको बताया था बस स्टैंड से स्टार्ट होने वाली है। तो आप देख सकते हैं हमारी यात्रा स्टार्ट हो चुकी, हम बस स्टैंड से अब ई रिक्शा ले कर चलने वाले हैं ऋषिकेश बाईपास की ओर, क्योंकि काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि हम अगर ऋषिकेश बाईपास की ओर जाते हैं तो हमें कितना टाइम लगेगा हर की पैड़ी पहुंचने में और कितना प्राइस लगेगा। तो मैं ई रिक्शा ले चुका हूं और हम चल रहे हैं ऋषिकेश वाले बाईपास से हर की पैड़ी। हर की पैड़ी जाने के दो साधन है, एक तो हम बैटरी रिक्शा जिसे ई रिक्शा भी कहते हैं और दूसरा है पैडल रिक्शा। दोनों की किराया सेम है और बेनिफिट आपको बोलूं तो पैडल रिक्शा से बेनिफिट है क्योंकि वो आपको घाट पे ही ले जाके ड्रॉप करते हैं। और जो आपको टेम्पो दिखाई दे रही है विक्रम टेम्पो, ये आपको ऋषिकेश तक ड्रॉप करेंगी। किराया आपको उतना ही लगेगा जो बस में है, बस टाइम ज़्यादा लगेगी। हमें इस मार्ग में ई रिक्शा और विक्रम टेम्पो वाले ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसे पैडल रिक्शा वाले भी ड्रॉप करते हैं जब रास्ते पूरे बंद होते हैं तब, नहीं तो वो डायरेक्ट हर की पैड़ी ही ड्रॉप करेंगे आपको। सबसे नज़दीकी घाट हर की पैड़ी, वहीं पे ड्रॉप करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं कौ घाट के पास, हमारी एंट्री हो रही है ऋषिकेश बाईपास वाले डोर से। आप देख सकते हैं यहाँ से हमें हर की पैड़ी पैदल चल के पहुंचना होगा। अभी हम आपको विष्णु घाट का दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान विष्णु इस घाट में डुबकी लगाए थे। अगर आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन की लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में हरिद्वार रेलवे स्टेशन की लाइव वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ की लाइव वीडियो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाली है और हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है। हम चल रहे हैं हर की पैड़ी, जो आपको टावर दिखाई दे रहा है बिरला टावर, वहीं पे हमें पहुंचना है। वहां का डिस्टेंस अभी आप देख सकते हैं। हम आ चुके हैं गौ घाट और आज देख सकते हैं संडे होने की वजह से काफी ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। ये वाली मार्ग जो आपको दिखाई दे रही है ये मोती बाजार से होके आ रही है और आप पैडल रिक्शा आप देख सकते हैं, पैडल रिक्शा वाले डायरेक्ट आपको घाट पे ले जाके ड्रॉप करेंगे। किराया आपको 20 रुपये पर पर्सन लगने वाले हैं। आप देख सकते हैं माँ गंगा की निर्मल धारा की वेग कम हो चुकी है पहले से और पारदर्शिता आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बढ़ चुकी है माँ गंगा की।
अब हम सुभाष घाट की ओर चल रहे हैं। सुभाष घाट के बाद नई घाट आएगी, नई घाट के बाद हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड महिला घाट तक हम सफ़र करने वाले हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं नई घाट पे और आप देख सकते हैं नई घाट की सुंदर दृश्य। यहाँ पे हमेशा भीड़ होती है, जैसे कि कुसा घाट में हमेशा भीड़ होती है और एक नई घाट पे हमेशा भीड़ होती है। कुसा घाट का वीडियो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि चैनल में आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मांगेंगे कि ऐसे पावन दर्शन के लिए और हरिद्वार से जुड़ी जानकारी के लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर गंगे।